मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी दोस्तों को मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि साथियों, हम लोग मैथ में जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की मैथ, इस मैथ में हमने एक पहले ही चैप्टर 2 पूरा समाप्त कर दिया है। उस चैप्टर 2 को एक ही वीडियो में हम लोगों ने समाप्त किया था, ओनली एक ही वीडियो में। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा, 4 घंटे की वीडियो है, मैंने मैराथन क्लास लगाई थी सबसे पहली, उस पर मैंने पूरे चैप्टर 2 को ही कम्प्लीट कर दिया था। तो आई बटन पर उसकी लिंक मिलेगी, ऊपर आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वही चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप डिस्क्रिप्शन पर चले जाइए, या इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको स्क्रीन पर भी इसका वीडियो मिल जाएगा। तो चैप्टर 2 को आप कंप्लीट कर लीजिए, मैंने एक दिन की लाइव क्लास में पूरा चैप्टर 2 समाप्त कर दिया है। और आज हम लोग आप व्यू स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1, जो कि क्लास 12 की मैथ का तीसरा नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आप व्यू एक्सरसाइज, हम लोग पहली ले रहे हैं 3.1। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ आपको हल्का सा बेसिक बताना चाहूंगा इस चैप्टर का, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी तो हम लोग सवालों से ही निपट लेंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे दोस्तों मान लीजिए ये मैंने एक आपव्यू बना दी, ये एक ये आपव्यू है। अगर यहाँ पर मैं ये जो ये लाइन है ना, इसे ना खींचूँ, ऐसे खींच दूँ, तो ये दोस्तों सारणिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 2, 3, 6, 7, 2, 5 और 8, 7, 6 कर दूं, तो ये एक सारणिक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, थोड़ा सा इनको जो लाइन है ना, इसको ऐसे वैसे बढ़ा दूं, और फिर इसके बाद लिखूं 2, 4, 6 कुछ भी लिख दूं, और यहाँ पे हमें एलिमेंट्स लिखना है 5, 8, 7, 6, तो ये हमारा क्या है? आपव्यू है। आपव्यू क्यों क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये अपना जो है यहाँ पे ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसलिए इसका क्या बोलते हैं हम लोग? आपव्यू बोलते हैं। हम लोग बेसिक से लेके दोस्तों टॉप तक डिस्कस करेंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अब बात आती है दोस्तों M क्रॉस N। ये M क्रॉस N क्या होता है? ये कोटि होती है। सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि ये जो आपके खड़े खड़े होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। ये हमारे होते हैं स्तंभ। इन तीनों को हम लोग बोलेंगे स्तंभ, स्तंभ, जिनको इंग्लिश में हम लोग कॉलम कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी होती हैं, ये हमारी होती हैं पंक्तियां। क्या होती हैं? पंक्ति, जिनको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है, पंक्ति। तो ये हमारी दोस्तों पहली पंक्ति होगी, ये दूसरी पंक्ति होगी, ये तीसरी पंक्ति होगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और ये हमारा पहला कॉलम होगा, दूसरा कॉलम होगा, तीसरा कॉलम होगा। इतनी सी बात समझ में आई? अब बात आती है कि यहाँ पे कितने कॉलम? 3 कॉलम और 3 पंक्तियाँ आती है, जिसकी कोट ये 3x3 की है। कितने की है? 3x3 की है। सपोज करो ये छोटी सी मैट्रिक्स, छोटा सा डिटर्मिनेंट होता, छोटी सी अगर मैट्रिक्स होती यहाँ पे 2, 7, 7, 2, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता इसकी कोटि क्या है, तो देखिए दोस्तों इसमें दो क्या है आपके पास, दो स्तंभ हैं और दो पंक्तियां हैं, तो ये कहे की हो जाती 2x2 की हो जाती। आई बात समझ में दोस्तों? तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इतनी सी छोटी सी बात आपको समझ लेनी है कि ये आपके जो है ये स्तंभ है और ये जो है आपकी पंक्तियां हैं। इस प्रकार अगर लिखी गई वो बात, तो ये सारण वो डिटर्मेंट सॉरी ये होता है आप भी होता है, और इसके बाद अगर ये इस तरह लिखा गया हो तो वह सारणिक होता है। इसको इंग्लिश मैट्रिक्स कहते हैं और इसको इंग्लिश में डिटरमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारी किताब का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए सुनिए। यहां पे पहला क्वेश्चन है ए बराबर 2, एक मैट्रिक्स दी गई है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5, 5/2, 12, इसके बाद √3, 1, -5 और 17। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपव्यू की कोटि क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है एक स्तंभ है, दो स्तंभ है, तीन स्तंभ है, चार स्तंभ है। कितने स्तंभ है दोस्तों? 4 स्तंभ है। और इसके बाद आपको आपके पास अगर आप गिने आपकी पंक्तियाँ, तो पंक्तियाँ आपके पास कितनी है? 1, 2, 3 पंक्तियाँ हैं। तो ये जो एम होता है, यहाँ पर मैंने था एम, ये होता है पंक्तियां, और ये जो एन होता है, ये होता है स्तंभ, यानी स्तंभ को लास्ट बाद में और पंक्ति को पहले लिखा जाता है। तो पंक्ति आपके पास कितनी है? 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं? 4 है। तो ये मैट्रिक्स जो होगी आपकी 3x4 की होगी, यानी इसकी जो कोटि होगी वह होगी 3x4। तो आई होप आपको पहला नंबर जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि अवयवों की संख्या क्या होगी, तो अवयवों की संख्या के लिए जितनी कोटि की आप भी हो उन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो 3 × 12, तो अवयवों की संख्या जो होगी वो होगी 12। कितनी होगी दोस्तों? 12। अब यहां पर आपका दिमाग खोलने के लिए कुछ यहां पे बहुत अच्छी चीजें दी गई हैं। अब देखिए ये कह रहा है ए
13 का मान क्या होगा। तो अब इस 13 से आपको क्या पता चलेगा कि ये आपका जो बताएगा ये पहली पंक्ति है, ये क्या बताएगा, ये पहला वाला जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति, और इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो इसके कहने का मतलब है कि ए 13 का मान यानी कि पहली पंक्ति और तीसरे कालम पर क्या लिखा हुआ है, ये पूछ रहा है कि पहली पंक्ति और तीसरे कालम पर क्या लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि हमारी पहली पंक्ति है और ये हमारा तीसरा वाला कालम है, तो पहली पंक्ति और तीसरे कालम पर लिखा गया है 19। कितना लिखा गया है दोस्तों? 19। तो यहाँ पे जो आपका ए पहली पंक्ति और तीसरे कालम का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 19। बात समझ में आई दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये होती है आपकी पंक्ति और ये होता है आपका कालम। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पहली पंक्ति आपकी कहाँ है, तो आपको पता है कि ये आपकी पहली पंक्ति है, ये आपकी दूसरी पंक्ति है, ये आपकी तीसरी पंक्ति है, ये आपका पहला कालम है, ये आपका दूसरा कालम है, ये आपका तीसरा कालम है, ये आपका चौथा कालम है। तो ये क्या कह रहा है, पहले पंक्ति होती है बाद में स्तंभ होता है। मैंने यहाँ पे भी बताया कि पहले पंक्ति लिखी जाती है बाद में स्तंभ लिखा जाता है, तो पहले यहाँ पंक्ति लिखी है इसके बाद स्तंभ लिखा है, सब केस में यही होता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहली पंक्ति में देखना है हमें, तो हम पहली पंक्ति में गए, इसके बाद वो कह रहा है तीसरे स्तंभ में, तो हम लोग इस तीसरे स्तंभ में जाएंगे ना, हमारा तीसरा स्तंभ है और पहली पंक्ति में जाना है, तो तीसरे स्तंभ से अगर हम पहली पंक्ति में जाएंगे तो 19 लिखा हुआ है। बात क्लियर हो गई? इसके बाद हम आते हैं A21 की कमान क्या होगा, A21 इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए A21 इक्वल टू निकालना है, तो सबसे पहले पंक्ति देखनी होगी दूसरी, तो दूसरी पंक्ति कौन सी हमारी, ये वाली दी गई दूसरी पंक्ति। अब वो कह रहा है पहला कालम, तो पहला कालम कौन सा है हमारा, ये, तो दूसरी पंक्ति और पहला कालम में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 35। तो ये आपके समझ में आ रहा होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दूसरी पंक्ति और पहले कालम पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 35, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे A33 का मान, A33 का मान, तो A33 यानी कि तीसरी पंक्ति और तीसरा कालम। तो हमें सबसे पहले तीसरी पंक्ति में जाना है, तो तीसरी पंक्ति हमारी ये है, और तीसरा कालम की बात करें तो ये है यानी कि -5। तो तीसरी पंक्ति और तीसरे कालम का मान -5 होगा। सभी लोग कमेंट करके फटाफट मुझे बता दीजिए इसी क्लास में, अब तो आपके समझ में आ गया होगा A24 का मान कितना होगा। जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी फटाफट से दोस्तों कमेंट कीजिए A24 का मान क्या होगा। बहुत सारे लोगों का आंसर अभी भी नहीं आ रहा, तो आंसर दीजिए, मेरे साथ 50 लोग लाइव हैं, तो 50 लोगों में जल्दी आंसर देना है आपको। हाँ दोस्तों, आंसर आने लगा, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अपने अपने आंसर मिला लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको दूसरी पंक्ति में जाना है, तो हम लोग दूसरी पंक्ति में गए, और इसके बाद ये कह रहा है चौथे कालम पर जाओ, तो चौथा कालम हमारा क्या है, दूसरी पंक्ति का चौथा कालम में क्या लिखा गया है दोस्तों, 12 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 12 लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति में आप गए, सीधे से दूसरी पंक्ति में गए, आपकी ये दूसरी पंक्ति है, और चौथे कालम पर गए, तो आपको क्या मिला, 12। इसके बाद आपके पास एक एलिमेंट और दिया गया है, A23। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी कि A23 का मान क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए A23 का मान क्या होगा, फटाफट। हाँ देखिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है, सभी लोग आंसर मिलाइए। तो यहाँ पर A23 का मान क्या होगा, तो A23 का मान दोस्तों यहाँ से पहले हमें जाना है दूसरी पंक्ति में, किस पंक्ति में जाना है, A23 का मतलब है दूसरी वाली हमें जाना है पंक्ति में। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत गौर से देख लीजिए, दूसरी पंक्ति में जाना है और तीसरे कॉलम पर जाना है, तो दूसरी पंक्ति यानी कि दूसरे रो में जाना है और तीसरे कॉलम पर जाना है। तो हम दूसरे रो में गए दूसरी पंक्ति में, तो हमारी दूसरी पंक्ति ये रही, इसके बाद हमें तीसरे कॉलम में जाना है, तो तीसरे कॉलम में हम जैसे ही पहुंचे तो 5/2, तो यहाँ पे हमारा A23 का जो मान होगा वो निकल के आ जाएगा 5/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए, यहां तक कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ें, जल्दी कमेंट कीजिए, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ें। अगर कोई बच्चा लाइव क्लास नहीं देख पा रहा, बाद में भी इस क्लास को देख रहा है, तो वो भी कमेंट करके बताए, और जो जो मैंने क्वेश्चन पूछे वो बताए। इसके बाद अब बताएं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब, क्योंकि सभी बच्चे, हाँ मोहित गुप्ता यस, रोहित यस, ठीक है समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम लोग चलेंगे तो देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी बुक पर ही दिखा देता हूँ ताकि मुझे यहाँ डाउट नट पर होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेन एडवांस तक अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी बन सकती, कितनी कोट की अगर किसी आव्यूह में 24 पूरे एलिमेंट है। जैसे आपको मैं बता दूँ ये जो आव्यूह थी इसमें कितने एलिमेंट थे टोटल हमने गिने थे तो 3×12 एलिमेंट थे, लेकिन ये कह रहा है अगर सपोज करिए कि 24 एलिमेंट हो किसी आव्यूह में तो ये भी एक आव्यूह था तो इसमें कह रहा है 24। अब तो इसकी संभव कोटियाँ कितने, मतलब कितने प्रकार से आव्यूह की कोटियाँ बन सकती हैं। फिर कह रहा है यदि इनमें से 13 अवयव हों तो कोटियाँ कितनी बन सकती हैं। तो आइए देखते हैं, सवाल आप यहीं से पढ़ लीजिए। अब सवाल आपको या फिर आप सवाल का स्क्रीनशॉट आप बुक और कॉपी लेकर ही बैठा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है 24 अवयव। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने के लिए सर्वप्रथम हम लोग जैसे कि 24 अवयव हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना होता है कि कितने के पहाड़े में 24 आता है। एक के पहाड़े में 24 आता है, हाँ आता है, 1×24 कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें 2 के पहाड़े में तो 2 के पहाड़े में भी 24 आता है, 12×2=24 होता है। इसके बाद अगर हम देखें 3 के पहाड़े में तो 3 के पहाड़े में 3×8=24 होता है। अगर हम इसके बाद देखें 4 के पहाड़े में तो 4 के पहाड़े में भी 24, 4×6=24 होता है। इसके बाद अगर हम बात करें 5 के पहाड़े में तो 5×5=25, 5 के पहाड़े में नहीं होता। यानी कि सबको आपको एक बार पलट के लिख देना है, जितने भी आप पहले 1 के पहाड़े से स्टार्ट किए थे 1×24 कर दिया, 2 के पहाड़े में होता है, 3 के पहाड़े में होता है, 4 के पहाड़े में होता है, 5 के पहाड़े में नहीं होता। तब आप इनको जब जहां पे खत्म हो जाए कि इसके बाद नहीं होता तो इन सभी को पलट के लिख देना होता है। तब इन्हें जैसे ही पलट के लिखेंगे तो एक बार लिखा जा सकता है 24×1, 12×2, इसके बाद आपका लिखा जाता है 8×3, इसके बाद लिखा जाता है 6×4। या फिर अगर आपके ये नहीं समझ में आया तो आपको जाना है 1 के पहाड़े में मिलेगा, 2 के पहाड़े में मिलेगा, 3×8=24 3 के मिलेगा, 4×6=24 4 के मिलेगा। फिर इसके बाद दोस्तों 5 के में नहीं मिलेगा, 6 के में मिलेगा, 6×6=24। फिर 7 के में नहीं मिलेगा, 8 के में मिलेगा, 8×3=24। फिर 9 के में नहीं मिलेगा, 10 के में नहीं मिलेगा, 11 में नहीं मिलेगा, 12 में मिलेगा, 12×2=24। फिर 24 में मिलेगा तो 24×9=24। यानी कि अगर हम इसकी संभव कोटियों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसकी कितनी संभव कोटियां बन गई दोस्तों, 8 संभव कोटियां हो सकती हैं अगर किसी मैट्रिक्स में किसी आव्यूह में 24 एलिमेंट हैं। तो उसकी जो संभव कोटियां होंगी वो जब 24 होंगे तो आपकी 8 होंगी। अगर बात करते हैं 13 हो तब कितनी होंगी, तो दोस्तों आपको पता है कि 13 एक के पहाड़े में तो आता है, 1×13 ना 2 के पहाड़े में मिलेगा ना 3 के पहाड़े में, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, वह स्वयं के अलावा दूसरी किसी संख्या से नहीं कटती। तो 13×1 और 1×13 यानी कि इसकी जो संभव कोटियां हैं वो 2 ही हैं। कितनी है इसकी जो संभव कोटियां हैं वो 2 ही हैं, इससे ज़्यादा संभव कोटियां नहीं हैं। तो चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन भी इसी कारण मैं इसे छोड़ना चाहूंगा लेकिन आपसे पहले सलाह लूंगा, अगर आप कहेंगे तो छोड़ूंगा नहीं, इस क्वेश्चन को भी बताऊंगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। अगर किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या हैं। तो सबसे पहले 18 कोटियों के लिए आप सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन को, मैं बताऊं अथवा आप खुद कर लेंगे, जल्दी कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन को मैं बताऊं या आप खुद कर लेंगे, बताइए कमेंट करके आप मुझे बताइए ज़रूर। आप अगर आप ऑफलाइन देखें तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि मुझे ये क्वेश्चन बताना चाहिए या ना बताना चाहिए, ठीक है, मैं बताने के बता रहा हूँ, ठीक। तो देखिए अब इसमें 18 एलिमेंट हैं तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 के पहाड़े में 18 मिलेगा तो 1×18। फिर इसके बाद 2 के पहाड़े में मिलेगा तो 2×9 होता है कि नहीं होता, 9। अब इसके बाद 3 के पहाड़े में देखेंगे तो 3 के पहाड़े में भी हमें मिलेगा 3×6। इसके बाद हम 4 के पहाड़े में देखेंगे तो हमें 4 के पहाड़े में नज़र नहीं आएगा 18। इसको 4×16 होता है, 5×5=25 होता है, 6×6=36 होता है, 6×3=18 होता है, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया। लेकिन अब देखिए उल्टा मिलने लगा तो अब लिख लेते हैं 6×3=18 होता है अगर आपको ऐसे करना है। फिर इसको बाद 7 में नहीं मिलेगा, 8 में नहीं मिलेगा, 9 में मिलेगा, 9×2=18 होता है। फिर इसके बाद अब 10 में नहीं मिलेगा, 11 में नहीं मिलेगा दोस्तों, 12 में नहीं मिलेगा, अब सीधा 18 में मिलेगा, 18×9=18। तो जब दोस्तों 18 होंगे किसी मैट्रिक्स में तो उसकी संभव कोटियाँ 1, 2, 3, 4, 5,
छः। कितने कितनी बन सकती हैं संभव कोटियाँ दोस्तों? छः आंसर आ जाएगा। इसके बाद वो क्वेश्चन बोल रहा था कि अगर पाँच अवयव हों, कितने अवयव हों दोस्तों, अगर पाँच अवयव हों तो कितनी कोटियाँ बनेंगी? तो आपको पता है एक के पारे में पाँच मिलेगा, लेकिन दो तीन चार के पारे में पाँच नहीं मिलेगा, क्योंकि पाँच एक अभाज्य संख्या है। पाँच के पारे में स्वयं मिलेगा और एक के पारे में, तो इसकी जो संभव कोटियाँ होंगी वो दो होंगी, तो दो आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन में। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखने से पहले देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दो क्रॉस दो यानी टू क्रॉस टू की आव्यूह जो ए इक्वल टू दिया है, ए के अंदर हमें दिया है एक मैट्रिक्स दिए ए आई इंटू जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला दिया है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई टू। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें कितने की मैट्रिक्स चाहिए? दो क्रॉस दो की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है। तो देखिए दोस्तों दो क्रॉस दो की मैट्रिक्स हमें चाहिए, तो आपको भी पता होना चाहिए और जितने बालक देख रहे हैं सबको पता होना चाहिए कि जब हमें दो क्रॉस दो की मैट्रिक्स चाहिए तो दो क्रॉस दो की मैट्रिक्स के लिए हमें पहले बात तो दो क्रॉस दो की मैट्रिक्स ए के फॉर्म में पता होनी चाहिए। तो देखिए ये क्या है, पहली पंक्ति है, ये हमारी क्या है पहली पंक्ति है और पहला ही कॉलम है। देखें तो ये पहली पंक्ति है और ये पहला ही कॉलम है। इसके बाद यहां पर आए अगर तो ये पंक्ति पहली है लेकिन कॉलम कौन सा है दोस्तों? दूसरा कॉलम है। इसके बाद यहां पर अगर आए तो ये पंक्ति हमारी कौन सी है? दूसरी है, लेकिन कॉलम हमारा कौन सा है? पहला है। यहां पर आए अगर तो हमारी जो पंक्ति है वो भी दूसरी है और कॉलम है जो वो भी दूसरा है। तो जो टू क्रॉस टू की ये मैट्रिक्स कैसी है? टू क्रॉस टू की, तो हमें यही मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है? तो अब दोस्तों आपको सिंपल वे में याद रखना है, जैसे कि थ्री क्रॉस थ्री की बोल देता तो यहां पे मैं लिखूंगा, आगे थ्री क्रॉस थ्री की मेरे ख्याल से नहीं है तो मैं यही आपको समझा देता हूँ। ये पहली पंक्ति है, पहला कॉलम है, इसके बाद ये आपके जो है पहली पंक्ति है लेकिन दूसरा कॉलम है, इसके बाद ये आपकी पहली पंक्ति है परंतु तीसरा कॉलम है, यानी कि 11, 12, 13 पहले आप लिख दीजिए 11, 12, 13 फिर इसके बाद 21, 22 और इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए 23 फिर इसके बाद अगर तीसरी पंक्ति आ जाती है तो 31 और ये 32 और यहाँ पे हो जाएगा 33। अगर आप इनको देखेंगे तो ऐसे ही देख पाएंगे। देखिए ये दोस्तों ये तीसरी पंक्ति है परंतु पहला कॉलम है, ये देखिए दोस्तों ये तीसरी पंक्ति है परंतु दूसरा कॉलम है, यहाँ पर तीसरी पंक्ति भी है और तीसरा कॉलम भी है। इसी प्रकार से इनको लिखा जाता है थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स हो गई। अब दोस्तों हमें कुछ दिया गया था, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया ए आई जे इक्वल टू यहाँ पे दिया गया आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान में टू, इतना दिया गया है। तो दोस्तों पहले ए वन वन निकालना है हमको, ए वन वन, तो ये हमारा काय का वैल्यू हो जाएगी, ये आई की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी जे की वैल्यू हो जाएगी। इस पर रखिए, तो जब हम लोग आई और जे की वैल्यू वन वन है रखेंगे तो इधर भी वन इधर भी वन, तो वन प्लस वन का होल स्क्वायर अब बटे में दो आ जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो दो का स्क्वायर और बटे में दो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा चार और ये हो जाएगा बटे में दो दूनी के चार, दो आ जाएगा। तो हमारी देखिए मैट्रिक्स निकलने लगी, तो यहीं पे मैट्रिक्स मैं लिखे दे रहा हूँ, मैट्रिक्स आपको नीचे लिखनी है। पहले सब आपको एलिमेंट निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर ये नहीं करना, आई जे मैं समझा दिया हूँ, ए वन वन का मान कितना आ गया आपका? टू। अब हम निकालेंगे ए वन टू, ए वन टू, अब इसी से निकालेंगे ए वन टू। तो अगर हम ए वन टू निकालेंगे तो आई का मान कितना है? वन और टू जे का मान कितना है? दो। तो यहाँ पे हम रखेंगे सीधे से, यहीं पे रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ये आई का मान कितना है? वन और जे का मान कितना है? दो। इसके बाद होल स्क्वायर, इसी कुल मिला के ये इसे आई जे मानना है और इधर रखना है ए वन टू का मान निकालना है, ए टू वन का मान निकालना है, ए टू टू का मान निकालना है, आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आई का मान कितना दिया गया है? वन और जे का मान कितना दिया गया है? दो। वन प्लस दो का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई में टू, ये टू और वन जुड़ के कितना हो जाएगा? थ्री का होल स्क्वायर और इसके बाद आपका बचेगा दो, तो तीन त्रिकों को नौ और अपान में दो। तो ए टू टू ए वन टू का मान कितना आ गया? नौ बटे दो। अब हमें निकालना है ए, ये देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ए टू वन, यानी आई का मान कितना हो गया दोस्तों? देखिए आई को पहले मैच कीजिए तो ये आई का मान हो गया, ये जे को मैच कीजिए तो ये जे का मान हो गया, तो ये आई का मान कितना हो गया? दो और जे का मान कितना हो गया? वन। तो इसी पे रखेंगे, तो जैसे ही इसी पे रखेंगे देखिए यहाँ पे मैं रख ले रहा हूँ, सीधे से रख रहा हूँ, देखिएगा आई का मान कितना है? टू और जे का मान कितना है? वन, इसका होल स्क्वायर अपान में टू। तो इसी को अभी हमने सॉल्व किया था, देखिए दोस्तों तो थ्री का स्क्वायर और बटे दो, यानी तीन रो को नौ, ये भी आ जाएगा नौ बटे दो। तो ए टू वन का मान कितना आ गया? नौ बटे दो। अब हमें निकालना है ए टू टू,
तो हम ए टू टू का मान लिखेंगे, तो ए टू टू, अब देखिए आई का मान भी दो है और जे का मान भी दो है, तो यहाँ पे रखेंगे तो दो प्लस दो का होल स्क्वायर अपान में दो, तो ये दो दो कितना हो जाएगा चार का होल स्क्वायर अपान में दो, चार चौक कितना हो जाएगा सोलह बटे दो, तो इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा आठ। अब देखिए हमारी सारी वैल्यू निकल के आ गई हैं, हमें ए वन वन मिल गया, ए वन टू मिल गया, ए टू वन मिल गया, ए टू टू मिल गया। अब इसको हम रख देंगे, जब इसको हम रख देंगे तो सीधी सी बात में क्या आ जाएगा, ए वन वन का मान कितना निकाला हमने, यहाँ पे रखेंगे टू, और ए वन टू का मान कितना निकाला हमने नौ बटे दो, और इसके बाद ए टू वन का मान कितना निकाला हमने नौ बटे दो, इसके बाद हमने क्या निकाला यहाँ पे, हमने ए टू टू का मान क्या निकाला आठ, तो यहाँ पे आठ रख देंगे, हमारी जो टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है वो निकल कर आ जाएगी। सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा दिखा नहीं, देखिए मैंने यहाँ पे ए वन वन का मान जो निकाला है वो ए वन वन के स्थान पर रखा है, और ए वन टू का जो मान निकाला है ए वन टू के स्थान पर रखा है, और इसके बाद ए टू वन का जो मान निकाला है ए टू वन के स्थान पर रखा है, इसके बाद ए टू टू का जो मान निकाला है वो ए टू टू के स्थान पर रखा है। तो दोस्तों आई होप मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों मैं एक एक टॉपिक को विद क्लियर करवाता चलूँगा, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं आपको छुड़वाता जाऊँ या फिर आपको बड़ा बड़ा पढ़ाऊँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आप एक काम करिएगा, देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स पहला क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया, देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया, तो यहाँ पे आपको ऐसी मैट्रिक्स लिख लेनी है। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, सबको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आपको ऐसी मैट्रिक्स इसमें तैयार करनी है, ऐसी मैट्रिक्स इसमें तैयार करनी है। तो इससे भी ए वन वन का मान निकालेंगे, तो इसमें आई अपान जे दिया गया, तो वन अपान वन, ए वन वन का मान कितना आ जाएगा दोस्तों वन आ जाएगा, और अब इसके बाद वन अपान, इसमें देखो बहुत आसान है ये, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए ए वन वन का मान यहाँ पे लिखते जाते हैं हमें, देखिए मैं कंडीशन क्या दी गई है, मैं फटाक से कर देता हूँ, दूसरा तीसरा आपको करना है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा स्पीड में करूँगा दोस्तों, क्यों करूँगा स्पीड में, क्योंकि आपको ये बात पता है, ठीक। आई जे इक्वल टू दिया है आई बटे जे। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू टू, ठीक, इतनी वैल्यूज हमें निकालनी है। अब निकालनी है तो सीधे से निकालते जाओ दोस्तों, तो ए वन वन यानी कि आई का मान एक और जे का मान एक, तो एक बटे एक क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। अब आई का मान एक और जे का मान दो, तो ये कितना आ जाएगा एक बटा दो, तो यहाँ पे लिख देंगे एक बटा दो, और इसके बाद यहाँ पे ए टू वन यानी आई का मान कितना है टू और जे का मान कितना है वन, तो टू बटे वन यानी कि टू आ जाएगा। इसके बाद ए टू टू का मान हमें, तो दोनों का मान टू टू है, तो इधर भी टू रखेंगे इधर भी टू रखेंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वन, तो ये मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगी। समझ में ना आया हो तो आप आराम से अपना आई का मान रखना, जे का मान रखना और करते रहना, आ जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को आप खुद करके दिखाएं कि अगर ना आए ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और ये जरूर बताओ कि समझ में आ रहा है, वीडियो कैसी लग रही है, ये मुझे जरूर बताइए, क्योंकि ये बताए जब तक आप ये नहीं बताएंगे तब तक मैं आपको समझ नहीं सकता।